प्रदूषण बैक्टीरिया फंगस गंदगी हमारे रोम छिद्रों में फंस जाने के कारण चर्म रोग होता है। त्वचा संबंधित किसी तरह के रोग को चर्म रोग कहा जाता है। स्किन से संबंधित बीमारी जन्मजात और पीढ़ियों से चली आती है, तो कई बार चर्म रोग किसी ऐसी चीज खाने की वजह से भी हो जाता है जिससे एलर्जी हो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से भी स्किन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से ये बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इस चर्म रोग की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हीन भावना से समाज में देखा जाता है। ऐसे में आयुर्वेद का इस्तेमाल चर्म रोग के इलाज में बहुत उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे चर्म रोग के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि चर्म रोग में करेले का उपयोग अत्यंत लाभकारी है। करेले के पत्तों का रस निकालकर 2 से 3 चम्मच नियमित रूप से पीने से चर्म रोग में फायदा मिल सकता है। साथ ही खाज खुजली की समस्या में करेले और सीम की पत्तियों को पीसकर मालिश करने से चर्म रोग की समस्या में लाभ पहुंचाया जा सकता है। आचार्य जी बताते हैं कि मेहंदी का पौधा स्किन संबंधित समस्याओं में बेहद उपयोगी है। मेहंदी और नीम के पत्तों को पीसकर उसका लेप लगाना त्वचा संबंधी बीमारी में बहुत कारगर है। इसके अलावा इस लेप को त्वचा पर होने वाली जलन वाली जगह पर लगाने से काफी आराम मिलता है। सदाबहार फूल त्वचा पर होने वाली बीमारी में काफी कारगर है। सदाबहार के 2 से 3 पत्तों को नियमित रूप से चबाकर खाने से रक्त की शुद्धि होती है और इससे त्वचा संबंधी परेशानी में भी आराम मिलता है। चर्म रोग में पालक का उपयोग बेहद ही लाभकारी है। करना बस ये है कि पालक और गाजर के रस को समान मात्रा में मिलाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से सभी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियों से राहत पाई जा सकती है। अजवाइन का इस्तेमाल चर्म रोग की बीमारी में काफी आराम दिलाता है। 2 चम्मच अजवाइन को 2 कप पानी में उबालकर शरीर पर होने वाले जख्मों को उस पानी से धोने से काफी आराम मिलता है और उस जख्म से कुछ ही दिनों में छुटकारा पाया जा सकता है। पीपल के इस्तेमाल से कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियों से राहत पाई जा सकती है। करना बस ये है कि पीपल की छाल का चूर्ण बनाकर मवाद निकलने वाले फोड़े पर लगाने से इस परेशानी से आराम पाया जा सकता है। 1 हफ्ते तक पीपल की कोपलों को रोजाना सुबह खाने से एक्जिमा रोग को दूर किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।